तरीका ऐसे एकाग्र चित्त होकर के सामान्य गति मध्यम गति या तीव्र गति से की पूरे खो गए योग में, भगवान के हो गए। एक बहुत बड़े संत ऋषि, आधुनिक युग के एक बहुत बड़े योगी हुए पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, वो कहते थे भाई अब तो हम भगवान की पकड़ में आ गए, भगवान ने हमें पकड़ लिया है, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है, अब हम जो वो कराता है बस वही करते हैं। भगवान जैसे मस्तिष्क में मति, हृदय में भक्ति, और जो कृति कर्म पुरुषार्थ कराता है, और जैसे उसने बस हमारी प्रकृति बना दी है, वही हमारी संस्कृति हो गई है, बस हम उसी के हो गए। इसलिए मैं बार बार योग के संदर्भ में जब बात कहता हूँ तो योग माने जुड़ना किससे? भगवान की दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य प्रकृति से, दिव्य संस्कृति से। दिव्य मति, भक्ति, कृति, प्रकृति, संस्कृति, संस्कृति न गमे मही, ये जो श्रुति है यही हमारी संस्कृति है। संस्कृति न गमे मही मा श्रुति न विराधि से कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति कर्मणे वाम वेशाय वाम कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविचे क्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य प्रकृति से, दिव्य संस्कृति वैदिक संस्कृति से, ऋषि दिव्य संस्कृति से जुड़ जाना, ये जुड़ना इस दिव्यता से ही तो योग। ऐसे भस्त्री का 5 मिनट करना, फिर कपाल भाती भी ऐसे लय पूर्वक, और करते करते भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं, तो फिर सारी दिव्यताएं, सारे श्रेष्ठ साधन वो उपाय वो विधि विधान वो नियम वो मर्यादाएं वो जीवन के श्रेष्ठ आदर्श हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं, वो हमारे स्वभाव बन जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ योग हमारी मूल संस्कृति, योग हमारा मूल स्वभाव है। अध्यात्म हमारा स्वभाव, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते है।